शिमला मिर्च एक बहुत ही टेस्टी सब्जी है जिसकी वजह से इसे काफ़ी सारी चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप इंडियन डिश देख लीजिए या फिर आप चाइनीज़ डिश देख लीजिए, इसका यूज़ किया जाता है। और इसे आप सैलेड के रूप में भी खा सकते हैं, और जितनी ज़्यादा ये खाने में टेस्टी होती है उससे कहीं ज़्यादा ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता है, जो कि हमारी हेल्थ ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इससे हमारा डाइजेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा रहता है, और ये वज़न कम करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को, जो कि है हमारी आलू और शिमला मिर्च की सब्जी। आलू शिमला मिर्च की सब्जी बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर 250 ग्राम शिमला मिर्च ली है, साथ में मैंने यहाँ पर 400 ग्राम आलू लिया है, और एक मैंने टमाटर लिया है। तो सभी चीज़ों को हम पहले अच्छे से पानी से वॉश कर लेते हैं, और उसके बाद हम इसे पीसेस में काट लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सभी चीज़ों को मैंने मीडियम चॉप कर लिया है। आप देख सकते हैं शिमला मिर्च को मैंने ज़्यादा छोटा नहीं काटा है, क्योंकि शिमला मिर्च आलू के अकॉर्डिंग जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, तो यहाँ पर मैंने इसे मीडियम काटा है। और आप देख सकते हैं आलू को भी मैंने ज़्यादा बड़ा या छोटा नहीं काटा है, यहाँ पर मैंने इसे मीडियम इसके पीसेस किए हैं। और यहाँ पर मैंने टमाटर को भी मीडियम चॉप कर लिया, आप चाहें तो इसकी प्योरी बना के या फिर इसे बिल्कुल बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा, साथ में एक सूखी लाल मिर्च। अब डालेंगे हम इसमें 1 टेबल स्पून गार्लिक यानी कि लहसुन, इसको मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया था। गार्लिक हमारा अच्छा ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे टमाटर जो हमने चॉप करके रखे हुए थे। टमाटर को जल्दी सॉफ्ट करने के लिए हम इसमें डालेंगे नमक, और नमक आप स्वाद अनुसार डालें। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ऐसे करने से टमाटर बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। और इस टाइम पे जो गैस का फ्लेम है फ्रेंड्स, वो मैंने मीडियम रखा हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च, आप चाहे तो लाल मिर्च की जगह पर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, एक्चुअली मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसमें रेड चिली ही डाल रही हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, अगर आपको अच्छा लगता है शिमला मिर्च भी तो आप डालिए, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये, बट इसे डालने से टेस्ट अच्छा आता है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जब तक इन्हें भूनेंगे मसाले को, जब तक कि मसाले से ऑयल अलग नहीं हो जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो मसाला है उससे ऑयल अलग होने लगा है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने चॉप करके आलू रखे हुए थे, आलू डाल देंगे, और इसे 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यू चलाते हुए भून लेंगे। अब डालेंगे हम इसमें शिमला मिर्च, और शिमला मिर्च को भी 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे सभी चीजों में। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका लुक बहुत ही प्यारा आया है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी, और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा पानी यूज़ किया है, मतलब आधा कटोरी मैंने इसमें पानी डाला है, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम सब्जी को ढककर जब तक पकाएंगे जब तक कि सॉफ्ट नहीं हो जाती है, और बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे सब्जी को। 4 मिनट हो चुके हैं, सब्जी को एक बार चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी इसमें थोड़ा पानी है, और सब्जी भी हमारी अभी थोड़ी सॉफ्ट नहीं हुई है, तो इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे ताकि नीचे से लगे ना। और इसे मिक्स करने के बाद हम इसे दोबारा से ढक देंगे, और 4 से 5 मिनट के लिए इसे ढक के और इसे पकाएंगे जब तक कि सॉफ्ट नहीं हो जाती है। 5 मिनट हो चुके हैं, दोबारा से चेक कर लेते हैं सब्जी को। तो आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, जो भी पानी था वो सब्जी सूख कर चुकी है। और इसे थोड़ा सा चला लेते हैं नीचे से,
जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि सब्जी हमारी नीचे से लगी तो नहीं है। और ये देखिए आलू भी हमारे अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। और अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम हम एकदम स्लो कर देंगे और इसे चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो गरम गरम मसाला है उसका फ्लेवर अच्छा आए सब्जी में। और सब्जी हमारी ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुकी है, इसे आप गर्मा गर्म पराठे के साथ में, रोटी के साथ में, किसी के साथ में आप सर्व कर सकते हैं, जैसा आपका मन करे। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए। और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे जानकर खुशी होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मिलते एक और नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय।